अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं। मैं हूँ नाहिद यूसुफ और आज हम बना रहे हैं चावलों की खीर। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, मैंने एक कटोरी चीनी ली है, तो इसी तरह के चावल लिए हैं जो मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे पहले, कच्ची बासमती के। ये मैंने खोया लिया है, ये इलायची के 3-4 दाने लिए हैं, बाकी बादाम हैं, पिस्ते हैं और ये दूध है। लेकिन ये दूध मैंने ये चावल पानी में बॉयल नहीं करने हैं, मैं चावलों को दूध में बॉयल कर रही हूँ और उसके बाद मैं मज़ीद दूध और डालूँगी। ये देख सकते हैं जितना इसमें ज़रूरत होगी, 1 किलो के करीब तकरीबन मैं इसमें दूध लूँगी, यानी इसके अलावा 1 किलो दूध लूँगी। चीनी मैंने चावलों के बराबर ली है, खोया भी मैंने उतना ही लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। मज़ेदार किस्म की चावलों की खीर आज हम बनाने जा रहे हैं, आपसे बड़े गौर से देखिएगा। हमने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है, चूल्हा जला दिया है, देख सकते हैं। तो जब ये थोड़ा बॉयल होने लगेगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और उसके बाद उन्हें बॉयल होने के लिए रख देंगे अच्छे खासे। वो जब नरम हो जाएंगे तो फिर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने खोया लिया है, आप खोया नहीं लेना चाहते आप दूध ही को कर लें, आप क्रीमी दूध लें, कोई भी डब्बे का दूध लें, खीर उस सब आम चीज़ों से बड़ी मज़ेदार बनती है। बस दूध को थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है, मैं थोड़ा दूध को गाढ़ा नहीं करूँगी, उसकी वजह यह है कि मैं खोया डाल दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ना ये दूध में उबाल आ गया और ये हम चावल जो हैं इसमें डाल रहे हैं बॉयल करने के लिए, उनको अच्छी तरह साफ़ किया करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बॉयल होते हैं। तो ये देखिए ना, मैंने इसमें चावल डाल दिए, अब इन्हें उबलने के लिए रख दिया जाएगा। जैसे ये उबलते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं इसे ढक्कन नहीं ढक रही हूँ, आप ढकना चाहें तो ढक सकते हैं हल्की आंच करके, लेकिन मैं इसे ढक्कन नहीं ढकूँगी क्योंकि फिर ये दूध उबलने का डर होगा। लोग अमूमन इसे पानी में बॉयल करते हैं, मैं इसे दूध में ही बॉयल कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये बॉयल हो जाते हैं। तो देखें जनाब, ये बॉयल हो चुके हैं, हमारी जैसा लाइट जा चुकी है। अब किसी भी मैशर की मदद से इन्हें आप मैश कर दें। फिर इसमें आप चीनी डाल दें और इलायची डाल दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, मैंने इसे मैश कर दिया सारे उबले हुए चावलों को। इसमें हम चीनी डाल देंगे, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डालें। मैंने जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी ली है। इसे मैश करने के बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखें जनाब, मैंने इसे चीनी डाल के घोल लिया है, बिल्कुल मैश हो गए हैं चावल, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम दूध डाल देंगे, मैं इसमें मलाई वाला दूध डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप इसमें कैसा दूध डालते हैं, चाहे डब्बे का डालें चाहे कोई और चीज़ का डालें। तकरीबन मैं 1.5 किलो दूध इसमें डाल रही हूँ। देख रहे हैं आप, आगे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जनाब, इसमें बाल आ गया है। अब आपने इसमें इलायची डाल देनी है और ये खोया भी डाल देना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो ठीक है, वरना इसी को दूध को ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिएगा, ये उसी तरह टेस्ट देगा। मेरे पास अवेल था, रखा हुआ था, तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसे चलाते रहना है, इसे जलना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये जल जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी जब ये तैयार होगी, इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत होगी और ये मज़ेदार किस्म की जायकेदार टेस्टी होगी। हमारा कोई भी काम आपको अच्छा लगा करे तो हमें सब्सक्राइब किया करें और हमें हमारा आइकन बटन दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें, और हमें लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है जो आप हमें बताते हैं कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। इसे आपने चलाते रहना है क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और लगेगी तो इसमें अजीब जलने की वो हो जाएगी। मज़ेदार किस्म की खीर 10 मिनट तक तैयार होने वाली है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखें ना, अब तकरीबन ये तैयार है। मैं थोड़ी सी मेवा यानी बादाम अंदर डाल रही हूँ और थोड़े से पिस्ते भी अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद इसे हम 5 मिनट पकाएंगे और इसके बाद इसे उतार लेंगे। ये तैयार है तकरीबन,
ये देखें जनाब, ये मज़ेदार किस्म की खीर तैयार है। ये इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है आपने और इससे ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। चूल्हा बंद कर दें अब आप, और इसके बाद डिश आउट इसे कर दें। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें ये तमाम काम करने की तौफीक अता फरमाई और हमें इन्हें बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमाई। जितना शुक्र करें अपने खुदा का कम है। ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं डिश आउट करती हूँ। हम जितना शुक्र अदा करें खुदा का कम है। हमें हर लम्हे पर अपने खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और आप सबको, आप सबके लिए अल्लाह पाक बहुत सी आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये देखें जनाब, बेहतरीन किस्म की चावलों की खीर तैयार है। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। ये जितना देखने में दिलकश है इतनी ही खाने में मज़ेदार होगी। आप हमें दुआओं में याद रखा करें। और लाइट अभी तक नहीं आई है। और ये देखें, बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें। ये जली नहीं है, अगर ये जल जाती तो इसमें फिर इसका जायका टेस्ट ख़राब हो जाता। ये मैं अभी उंगलियों से साफ़ करूँगी, बर्तन को ज़ाया नहीं करूँगी। और आप भी बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, उन पर अल्लाह की रहमत होती है जो इसको ज़ाया नहीं करते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने गिवान जज़ाकल्लाहुल खैर।